क्या ये लोग चाहता है, देश को क्या बना दे भाई, मतलब लोकतंत्र खत्म कर देना चाहता है, देश का संविधान को ही खत्म कर देना चाहता है। मुद्दे की बात नहीं करेगा, हम लोग बोल रहे हैं पढ़ाई दवाई कमाई सिंचाई सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार का, तो बीजेपी क्या बात कर रहा है, मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान, मतलब कि भगवान को इन लोगों का रक्षा की जरूरत है। हाँ हनुमान जी कई लोग रक्षा करेंगे कि हनुमान जी अपने काबिल बने, क्या बकवास करता है लोग, झूठा लोग, गणेश जी को दूध पिलाने वाला, गणेश जी को दूध ना मिली, झूठ बोलता है सर। बीजेपी वाला बोलता रहता भाई, टिप्पा टिप्पी करता रहता, मुख्यमंत्री जी को चोट लगा है वो नहीं आ रहे हैं, तो बीजेपी वाला बोलता कि हराना चाहते, हाँ तो अरे के बुला के बोलने वाले बेईमान झूठा पार्टी, तो ये लोग तो गड़बड़ आदमी लोग है। दूसरा दूसरा प्रदेश से उत्तर प्रदेश के लोग के बुलाइले बा प्रचार ला, बताओ उत्तर प्रदेश के लोग आके का करी भाई, वो का बताई है उनका के हालो पता बा बिहार कैसन बा, हाँ तो बिहार जैसन बा उत्तर प्रदेश वैसन हो जाए, यहाँ से जैसे भाजपा को भगाई उसी से भी भगाएंगे, एक बार सब लोग विपक्ष के लोग एक हो जाए, और यही काम में लालू जी और नीतीश जी लगे, मुख्यमंत्री जी का निर्णय कोई साधारण निर्णय नहीं था, कि तो पार्टी खत्म करने लोग चला था। भाजपा हारे ली तो दो ये काम करता है, एगो करेगा हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद कश्मीर पाकिस्तान और गाय ले आएगा, और दूसरा क्या करेगा इस पे चर्चा रखेगा, और दूसरा काम क्या करेगा अपना बी टीम के उतार देगा पैसा देने के पीछे, बुझो तो रहा ओंडे। अरे भाई पैसा के कमी है, उन लोगों को पैसा का कमी है, वो लोग हम तो कहते, कोई लोग कहता कि बीजेपी गरीब की पार्टी नहीं हम अमीर की पार्टी, हम कहते ना वो गरीब की पार्टी ना अमीर की पार्टी है, अमीर में से भी जो सबसे अमीर और उनमें से भी जो सबसे अमीर और उसमें से भी जो सबसे अमीर जो विश्व में सबसे अमीर ओकरे लोग के पार्टी बात दो चार लोग के, वही लालू जी का आज तक भाजपा के सामने वो झुके नहीं है, आज तक झुके नहीं, कितना केस मुकदमा किया गया, बीमार है तो भी छापा पे छापा, जिस दिन सरकार बन रहा था बहुमत पेश कर रहे थे उस दिन भी भाजपा वाला लोग रेड करके छापा कर रहा था कि नहीं कर रहा था, ये बुढ़ापा में भी बाल पग्या लालू जी का लड़ते लड़ते संघर्ष करते करते बीमार है, लेकिन अभी भी लड़ाई जारी है, किन के लिए, यही हमारे अल्पसंख्यक भाइयों के लिए जो कमजोर है, दबे कुचलों के लिए जो गरीब है, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, यही लालू जी का लड़ाई है, यही संघर्ष है, और झुके नहीं, और इस मंच के माध्यम से हम क्या देना चाहते हैं कि अगर हमारे पिता लड़ते रहे सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ, तो उनका बेटा भी झुकने को तैयार नहीं लड़ाई लड़ने का।